बिहार पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के गया जिले के पुलिस पदाधिकारी ने त्वरित एवं बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर दो मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी पुष्टि वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा किया गया है। न्यूज अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और न्यूज की जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। गया पुलिस पूरे जिले में सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 के नाम पर एक व्यक्ति के द्वारा अपने मोबाइल से ठगी किया जा रहा है और सोशल मीडिया का उपयोग उसके द्वारा किया जा रहा है और लोगों को जोर करके उससे पैसे की उगाही की जा रही है। इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया तथा इस मामले में एक सीसीटी और डीएसपी साइबर क्राइम के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा जब इस मामले में की जाँच की गई तो यह पाया गया कि डुमरिया थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति है जिसका नाम है गुड्डू कुमार, उसके द्वारा इस प्रकार का कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। इसकी जब गिरफ्तारी की गई तो इसके पास से ठगी करने में उपयोग करने वाले दो मोबाइल को बरामद किया गया है और उस दो मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। जो पकड़ाया हुआ अभियुक्त है उसके द्वारा इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है और पूछताछ के दौरान इसके द्वारा यह बताया गया है कि इसके द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और उसका लिंक बना करके फेसबुक पर डाला गया था तथा उस लिंक के माध्यम से सभी लोगों को यह सूचना दी गई थी कि कोई भी जिसे लीक पेपर चाहिए वो इससे संपर्क कर सकता है और 500 रुपये दे करके एक इसके व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप से जुड़ सकता है और इसके द्वारा लीक पेपर उनको बाद में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद कई लोगों के उस ग्रुप से जुड़े थे और जिसमें से करीब 45-46 लोगों के द्वारा 500 रुपये दे करके इसके प्राइवेट ग्रुप से जुड़े थे। इस प्रकार से इसके द्वारा लीक पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर 45-46 लोगों से 500 रुपये इकट्ठा किया गया था। इस संबंध में साइबर थाना कांड संख्या 103/24 दर्ज किया गया है और दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार से इस काफी महत्वपूर्ण मामले में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गुप्त अपराध कर्मी गिरफ्तारी की गई है और साथ में इसमें अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है।